साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित शोक सभा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृतियों की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अटल जी सबके दिलों में थे। दुनिया की राजनीति में अटल सबसे पहले ऐसे नेता थे, लोकप्रियता का ग्राफ कभी घटा नहीं। मौत 9 साल तक घबराई हुई थी कि जिसे लोग इतना प्यार करते हैं उसे ले जाऊं तो आखिर ले जाऊं कैसे। उन्होंने कहा कि हर बीजेपी कार्यकर्ता अटल जी को देखकर राजनीति में आने का फैसला लिया है। मंच में जितने मंत्री नेता बैठे हैं, अटल जी सबके प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सारे वरिष्ठ साथी, प्रदेश अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी आज याद किया उस महामना को जिन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ का निर्माण किया बल्कि विकास की जो कल्पना छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता इस कल्पना को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ उसका मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा दी, राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और संबंधों की दृष्टि से जितनी व्यापकता अटल जी के संबंध रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति आज मिलना कठिन है। उन्होंने न केवल ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बल्कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करके एक देश में कनेक्टिविटी का, हिंदुस्तान की शक्ति का और हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने का जो परमाणु विस्फोट किया पोखरण का, वो दुनिया को अचंभित करने वाला निर्णय अटल जी ही कर सकते थे। दूसरे व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि दुनिया के सारे प्रतिबंध के बावजूद अटल जी ने वो न केवल हिम्मत भरा निर्णय लिया बल्कि देश को, स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया। उनको हिंदी का उनका प्रेम और मातृभाषा के साथ उनका जो लगाव रहा, वो देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन भर काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जम्मू कश्मीर के उस कानून को तोड़ने का काम किया जिसमें 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान और उसके खिलाफ जो देश का आंदोलन शुरू हुआ, उसके लिए उन्होंने आदेश दिया युवा अटल बिहारी वाजपेयी की, जाओ देश की जनता को बताओ कि वहाँ की हालत क्या है। आजीवन उसी संकल्प को लेकर वो जीवन जीते रहे और देश को आज जो मजबूती मिली है, देश की ताकत जो खड़ी हुई है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान, 3 बार प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करने का, एक विदेश मंत्री की भूमिका निभाई, जनसंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका में देश के लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा के स्रोत रहे। आज ऐसा हम सबको लगता है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनका अभिभावक चला गया, उनका बुजुर्ग चला गया, उनका मार्गदर्शक चला गया और जिसको पर वो विश्वास करके इस राजनीतिक दल में आए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनके बातों पर, जिनके कामों पर लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से विचार और निर्णय लेने का काम किया। इतना विशाल हृदय के व्यक्ति का वो विदाई करना भी दुखदायक होता है। कल दिल्ली की सड़कों में लाखों लोगों ने विदाई दी, पूरा देश का और दुनिया का वातावरण काफ़ी कल और 2 दिन से निश्चित रूप से गमगीन रहा। दिल्ली तो एक प्रकार से ठहर गई थी, देश ठहर गया था। आज इस अवसर पे हमने छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, माननीय अटल जी को याद किया, उनके छत्तीसगढ़ के योगदान को याद किया, छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया और हम सब ने आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 7.5 करोड़ के चावल भिजवाने की बात कही है। केरल में जिस प्रकार से एक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, प्राकृतिक आपदा ने पूरे केरल को अपने चपेट में लिया, हम केरल के लोगों के साथ छत्तीसगढ़वासी भी उनके दुख में, उसके दर्द में, उनकी बाढ़ के इस पीड़ा में हम सब उनके साथ हैं। अभी मैंने उनके चीफ मिनिस्टर से बात किया और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ आपके साथ खड़ा है, हम दूर जरूर हैं पर हम हर मदद के लिए छत्तीसगढ़वासी केरल के हमारे भाइयों के लिए तैयार हैं। मैंने आज ही निर्णय लिया कि 1 रेक चावल जिसकी कीमत 7.5 करोड़ होती है कल ही हम रवाना करने वाले हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा चावल हमको तत्काल चाहिए,
तो मुझे लगता है कल ही हम ये चावल रवाना कर देंगे, करीब 7 करोड़ की लागत का और 3 करोड़ की राशि नगद हम देने का, 10 करोड़ का तात्कालिक सहायता। For more information, log on to www.clips.in.